sanggup aja. Rana aja. ये पुष्कर घाट के दर्शन। हेलो बच्चों, माफ कीजिएगा, आज आप क्लास नहीं हो पाई क्योंकि हम आज आए हुए हैं अजमेर, और अजमेर में इस टाइम पे हम हैं पुष्कर के पास में, एक डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हम हैं। आज की लोकेशन जो है, मैं आपको आज कंप्लीट जितनी भी लोकेशंस होगी वो मैं आपको यूट्यूब पर दूंगा, आप जरूर देखिएगा, और प्रत्येक सीन जो यहाँ पर दर्शनीय जगह है वो सब आपको आज देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, तो तैयार रहिए। पुष्कर घाट का शानदार नजारा। दोस्तों, अभी हम है महाराणा प्रताप, जो स्मारक प्रतिमा है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अजमेर में, जो पुष्कर घाटी आती है उस रास्ते पर ये स्मारक पड़ता है, वहां पर है। और दोस्तों, यहां से आप पूरे अजमेर का दृश्य देख सकते हैं, पूरा अजमेर आपको यहां से, अजमेर सिटी आपको दिखाई देगा। जबरदस्त लोकेशन, बहुत ही शानदार नजारा यहाँ का है। ये है दोस्तों अजमेर की आना सागर झील। व्हाइट बतख काफ़ी देखने को मिलेंगे, जैसे ये देख पा रहे हो आप, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये आना सागर झील, और इस झील के किनारे देखो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे, जैसा एक गुलाब के पौधे। तो अब हम आ गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, सोनी जी की नसिया। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके का ही महल मंदिर क्या है, अंदर जाने के बाद में पता चलेगा, शूज यहाँ पे उतारने होंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है आप पढ़ लीजिए, क्या है इस संबंध में, रचना में जैन सिद्धांत अनुसार भूगोल की रचना में जैन धर्म के इस युग के आदि प्रवर्तक भगवान श्री ऋषभ देव जी तीर्थकर के जीवन की 5 मुख्य विशेषताओं में से 3 विशेषताओं का प्रतीकात्मक यथार्थ अंकन। बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का दृश्य है आंतरिक, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। और इसमें लोग बैठे हुए भी दिखाए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। Thank you.
देखिए दोस्तों हम कहाँ पर हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कौन सी जगह पर हम हैं। और ये राजस्थान का जो अजमेर का बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर देखिए आप कितनी भीड़ एकत्रित है दोस्तों। ये है ढाई दिन का झुपड़ा, इसे ढाई दिन में बनाकर तैयार किया गया था। और बहुत ही अद्भुत कलाकारी इस पर दिखाई गई है।